एक समय की बात है, एक गांव में एक विधवा माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बेटा और माँ दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उनके घर के पास ही एक पीपल का पेड़ था। वह लड़का, उसका रोजाना का नियम था कि वह काम पर जाने से पहले नहा धोकर पीपल देव को जल चढ़ाता था और गणेश जी महाराज की कहानी सुनता था। बचपन से ही उसकी माँ रोज गणेश जी महाराज की कथा उसको सुनाया करती थी। एक बार वह लड़का बीमार पड़ गया और कई दिनों तक उसकी बीमारी नहीं टूटी। बीमारी में भी उसने चार पाए से उठकर नहा धोकर पीपल देव को सींचा और गणेश जी महाराज की कहानी सुनना न छोड़ा। एक दिन पीपल को वह सींचने जा रहा था, तभी पीपल का पेड़ बोला कि मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ, तो कोई वरदान मांग ले। तब वह लड़का बोला कि हे पीपल देव, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। हम तो पहले से ही आपके उपकारों से दबे पड़े हैं। मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी है कि पेड़ ही मनुष्य के सच्चे जीवन साथी होते हैं। शुद्ध वायु, छाया, फल तो देते ही हैं, इसके अलावा पूरे जीवन आप हमें लकड़ी भी देते हो। पेड़ देवता नहीं माने, उन्होंने वर मांगने पर जोर दिया तो लड़का बोला, आपकी यही इच्छा है तो मुझे नीचे गिरे अपने पत्तों को ले जाने की आज्ञा दीजिए। इससे सफाई भी हो जाएगी। पेड़ के पत्ते इकट्ठे करके वह अपने घर ले गया और अपने घर के एक कोने में उसका ढेर लगा दिया। उसने सोचा, जब पत्ते काफ़ी सारे इकट्ठा हो जाएंगे और सूख जाएंगे तो अपनी माँ का बिछोना उस पर बिछा दूंगा, नरम रहेगा। पर माँ बेटे के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। जब उन्होंने पत्तों का रंग बदलते देखा, सुबह तक सारे पत्ते पीली धातु में बदल गए। लड़का बोला, कहीं यह सोने के पत्ते तो नहीं बन गए। उसकी माँ पत्तों को लेकर बनिए के पास पहुँची। वह भी पत्ते देखकर चौंक गया और जांचा तो उसने उन पत्तों को खरा सोना पाया। उसने बुढ़िया माई को ठगने के लिए कहा, ये तो पीपल के पत्ते हैं, चाहो तो इसके बदले कुछ राशन ले जाओ। बुढ़िया माई क्या जाने कि छल क्या होता है। वह बेचारी उन्हें पीतल का ही मानकर कुछ सामान ले गई। अब रोज यही होने लगा। पत्ते इकट्ठे कर वह लड़का ले जाता और सुबह तक सोने के पत्तों में वे पत्ते बदल जाते और उसकी माँ उन पत्तों से कुछ राशन लेकर आती। एक दिन बनिए के दिमाग में आया कि देखना चाहिए कि बुढ़िया माई के पास इतने सारे सोने की पत्तियाँ कहाँ से आती है। उसने लड़के का पीछा किया और सारा माजरा जान गया। दूसरे दिन लड़का काम पर चला गया तो उसने जाकर दो तीन पत्ते उठा लिए। बाकी पत्ते लड़के पहले से ही उठा चुका था। बनिए ने पेड़ पर चढ़कर खूब पत्ते उखाड़े और कई पत्तियों से लगती लगी टहनियाँ भी तोड़ ली। इस प्रकार वह बोरी में भर कर ले गया और अपने कमरे में
ढेर लगाकर उनको सोने में बदलने का इंतजार करने लगा, पर वह पत्तियां और टहनियां सोने की नहीं बनी, वह तो कुछ और ही रूप धारण करने लगी। पत्तियां बिच्छुओं में बदल गई और टहनियां काले सांपों में बदल गई। बनिया डर कर भागने लगा, उसके पीछे पीछे बिच्छू और सांप भी दौड़ने लगे। बनिया दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तब गणेश जी महाराज और पीपल देव ने कहा कि हे दुष्ट, सांप और बिच्छू तेरे पीछे पड़े तब तू डरने लगा, जब तक तूने लड़के और उसकी माँ के जितने भी सोने की पत्तियाँ ली है उनको पूरी कीमत नहीं देता है तब तक ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तब वह बनिया उनसे माफ़ी मांगने लगा और लड़के और उसकी माँ को सारी पत्तियाँ सौंप दिया और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। पीपल का पेड़ और गणेश जी महाराज ने उस माँ बेटे को अपनी सारी बात बताई। माँ बेटा दोनों खुश हो गए और गणेश जी महाराज की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार बन गए। दोनों माँ बेटा खुशी खुशी रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।